हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोने आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, या तो आपके सामने वीडियो आया नोटिफिकेशन से या फिर ब्राउज फीचर में, तो अगर ऐसे में आपके सामने वीडियो आया तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो स्मार्टफोन आने वाले उनमें ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो अगर आप वीडियो को अभी नहीं देखते तो कोई अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको मेरे वीडियो में लास्ट में जो है आना पड़ेगा। और अगर आपके साथ ये घटना हो चुका है और आप YouTube सर्च से देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना नीचे, और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए उधर स्टे टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ कल हुआ था, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी जो इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो YouTube में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो ट्रिक सिखाया जाता है वो है कि यहाँ पे जो मोबाइल का वॉल्यूम का डाउन बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों का अगर आप एक साथ प्रेस करके रखते हो तो फिर वो बताता है। लेकिन वहाँ पे जो है मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तब मैंने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्रिक यहाँ पे यूज किया है, और उसकी मदद से मैंने मेरे फोन को जो है फास्ट बूट मोड से जो है यहाँ पे रिकवर कर लिया था। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जो पावर बटन है, पावर बटन को ऐसे मैंने प्रेस करके ही रखा था, और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम का अप बटन है, सही से देख लो, यहाँ पे जो वॉल्यूम अप बटन होता है तो पावर बटन ऐसे आपको दबा के रखना पड़ेगा, और वॉल्यूम का जो अप बटन है उसको आपको ऐसे ऐसे दबाते दबाते रहना होगा। उसके बाद थोड़ा 10 से 15 सेकंड के बाद देखेंगे आपका मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट होगा, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पे ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा मोबाइल हार्ड रिसेट की तरह एकदम नया हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूँ, मेरा मोबाइल है Redmi Note 8 Pro, तो मैंने ये प्रोसेस किया था, मेरे साथ फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका सिम और आपका जो मेमोरी कार्ड है वो ये प्रोसेस करने से पहले उसको जो फोन से रिमूव कर लीजिए तो अच्छा होगा, नहीं तो जो है 90% चांस होता है कि ये जो हार्ड रिसेट नहीं होता है। तो आया आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।